मन मंदिर में देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। भक्ति किसकी कर रहे हैं? लोग समझते हैं भक्ति कर रहे हैं भगवान की, पर भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। भगवान की भक्ति लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, नहीं तो भक्ति तो हुई मन की। और अगर भगवान बीच में आ गया, उसको इस्तेमाल करना पड़ा अपनी मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, दो केले वहां भी चढ़ा देंगे। जैसे जब तुम सब्जी लेने जाते हो, जब तुम सब्जी लेने जाते हो, तुम्हारा संबंध सब्जी से है, दुकानदार से नहीं है। दुकानदार लेने के लिए नहीं जा रहे हो। और अगर उस दुकानदार के पास तुमको गोभी की जरूरत है, उस दुकानदार के पास गोभी की सब्जी नहीं है, तो फिर तुम कहीं और जाओगे जहां गोभी मिलेगी, क्योंकि मतलब तुमको गोभी से। मनोकामना पूरी कर, यही कहते हैं लोग, यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ ये आओ, वहां पैदल चल के ये करो, ये करो, ये करो, ये पहनो, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हारी मनोकामना। मनोकामना का क्या मतलब है? मनोकामना का भक्ति का कहां संबंध बैठता है? किस महापुरुष ने मनोकामना और भक्ति का कहीं, क्या कहते हैं, पुल जोड़ा हो? बल्कि उल्टा समझाया कि तेरा मन जो है तेरे को बहकाएगा, उसके पीछे मत पड़, भगवान के पीछे पड़। और भगवान के पीछे लोग जो पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? अपने मन के कारण। और अगर एक मंदिर में जाकर के मनोकामना पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? दूसरी जगह जाएंगे। दूसरी जगह नहीं हुई, तीसरी जगह जाएंगे। बात है मनोकामना की, और भाना क्या है जी? भक्ति हो रही है। भक्ति किसकी हो रही है? भक्ति तो हो रही है मन की, इच्छाओं की भक्ति हो रही है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही। और क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, तो भगत को मिल क्या रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी आनंद नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, और सब कुछ मिल रहा है। ये हालत इस दुनिया की बन चुकी। एक बार फिर वो बात याद आती है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है, क्या असली चीज है। अब मनुष्य मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। मनुष्य दर्द सह सकता है पर दुख नहीं सह सकता। थोड़ा भी दुख मनुष्य को व्याकुल कर देता है, थोड़ा सा भी दुख और मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। अब ये प्रकृति है। अब इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता है, पर उसको इन चीजों से कितनी खुशी मिलती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
परंतु मनुष्य को तो जितने दिन जीना है 25,550 दिन लगभग, उसको हर एक दिन संतुष्टता चाहिए, उसको हर एक दिन सुख चाहिए। लोग हमसे बात करते हैं, अभी पुर्तगाल में गए थे, वहाँ एक प्रोग्राम था हमारा, तो लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि जो आप बात कर रहे हैं ज्ञान की, आप जो बात कर रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए तो है जो भूखे नहीं हैं, खाने की बात, खाने की भूख नहीं लगी। अब वो तो वो लोग कैसे सुनेंगे आपकी बात जो भूख के कारण सता रहे हैं, वो आपकी बात कैसे सुनेंगे। पर मैं भी सोचने लगा बाद में, अगर कोई भूखा भी है, दो दिन से भी भूखा है, तीन दिन से भी भूखा है, चार दिन से भी भूखा है, उसकी भूख मिटाने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट, 3, जैसे ही पहला परोठा उसका पहुंचेगा, पहला समोसा पहुंचेगा, परोठा पहुंचेगा, जो कुछ भी पहुंचेगा उसके अंदर, भूख तो उसकी उसी समय से कम होनी शुरू हो जाएगी। परंतु हृदय की जो भूख है, जो सारे जीवन भर लगती है, उस चीज को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए कौन परिश्रम करता है। अब लोग हैं जो विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, भगवान में विश्वास करो, ये करो, वहां जाओ, ऐसा करो, तुम्हारा विश्वास और बढ़ना चाहिए, विश्वास 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 विश्वास। सच्ची में बात यह है कि अगर तुमको किसी हवाई जहाज में बिठा दिया जाए और तुमसे कहा जाए, पैसेंजरों से कैप्टन आके कहे कि सभी लोग भगवान का, भगवान में विश्वास करो, और जितना जितना तुम्हारा ज़्यादा विश्वास होगा उसी हिसाब से ये हवाई जहाज उड़ेगा, और अगर विश्वास कम हो गया तो ये क्रैश हो जाएगा। तो कितने भगत हैं जो उस जहाज से निकलने की कोशिश करेंगे। सबके सब, सबके सब। क्यों? जानना और विश्वास करना। जानने में सब कुछ आ गया, विश्वास करने में सब कुछ नहीं। भूख तब मिटेगी जब मनुष्य जानेगा। घट घट में वो बोलन हारा, सारे जग का सृजन हारा, सकल जगत उसका है पसारा, वो है सारे जग से नारा, सचा मात पिता है वो ही, सचा मात पिता है वो ही, एक उसी को जान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। देखो, एक प्रेम होता है भगवान से क्योंकि तुमने उस भगवान को जाना,
उस भगवान को पहचाना, और जिस भगवान को तुम जानते हो पहचानते हो उसी की तुम भक्ति कर सकते हो। जिसको तुम जानते नहीं हो पहचानते नहीं हो उससे तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों? जिस प्रकार जिसको तुम जानते नहीं हो पहचानते नहीं हो तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का दूसरा शब्द ही है, जब भगवान की बात आती है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको भक्ति कही जाती है। भक्ति बात वही है। पर जिसको तुम जानते ही नहीं हो जिसको पहचानते ही नहीं हो उससे प्रेम कैसे करोगे? नाम मालूम है और कुछ नहीं, सिर्फ नाम मालूम है और कुछ नहीं। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है संसार में मनोकामना मनोकामना मनोकामना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, ये करो वो करो, मनोकामना मनोकामना। बस अंतर यह है कि हृदय की कामना, मन की नहीं, हृदय की कामना तुम्हारी पूरी हो, तुमको यह आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद यह होता, मनोकामना पूरी हो गुरु आशीर्वाद ऐसा कभी नहीं देगा। जो गुरु मन की कामना को उल्टा, तो गुरु को तुमको समझाना चाहिए क्या क्या किसके पीछे पड़ा है, मन के पीछे पड़ा है। मन तो कहीं और दिया, तन साधन के संग कैसे लगेगा तुमको? उस भक्ति का रंग, उस आनंद का रंग मन के पीछे क्यों भागते हो? हृदय के पीछे भागो। पूर्ति करो कामना की, पर मन की कामना की नहीं, हृदय की कामना की। और हृदय की क्या कामना है? हृदय तुम्हारा उस अविनाशी से प्रेम करना चाहता है, मांगे नहीं, उसके कोई मांगे नहीं है। मेरे को ये दे दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरी क्या कहते हैं लॉटरी लगा दो कोई। अब क्या क्या भगवान के पास लोग गए करके आते हैं, अरे लॉटरी तो तेरी लग गई, तू जीवित है, और जब तेरे अंदर ये श्वास आता है तेरी लॉटरी लग गई। और तेरे को बात कब समझ में आएगी? जब ये श्वास का आना जाना बंद होगा तब तेरे को समझ आएगी कि सबसे बड़ी तेरी लॉटरी लगी थी। पर आया गया वही बात है कि मनुष्य की आदत है खाली हाथ आता है खाली हाथ चला जाता है। पर कितना सुंदर समय है जब कोई आकर के ये बताता है कि तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं, जब कोई ये आके बताता है कि अगर भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करो जिसमें प्रेम ही प्रेम है, असली प्रेम, असली भगत बनो, असली भगत बनो, असली भक्ति करो। और कब होती है वो असली भक्ति? जब मनुष्य को उससे अविनाशी से प्रेम हो जाता है। अब प्रेम की बात, लोग कहेंगे हमको भी प्रेम होता है जी, हमको बीवी से प्रेम। जब तक माहौल घर में वो है जो तुम चाहते हो तुम खुश हो, और जिस दिन वो माहौल थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तुम्हारा प्रेम खत्म। ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक साधन है। तुमने भी अपने मन में ये सारी चीजें, ये सारे आधार बना रखे हैं कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसी मेरी बीवी होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे होने चाहिए, ऐसे मेरा बॉस होना चाहिए, ऐसी मेरी कार होनी चाहिए, ऐसी मेरे भैंस होनी चाहिए, ऐसी मेरी गऊ होनी चाहिए, ऐसे मेरा कुत्ता होना चाहिए, ऐसी मेरी बिल्ली होनी चाहिए, ऐसे मेरे चूहे होने चाहिए, ऐसे मेरा घर होना चाहिए, ऐसे मेरा। जब तक वो सब कुछ है तब तक तो आदमी ठीक है, और जहां उसमें परिवर्तन हुआ चूहे बड़े हो गए, छोटे हैं कोई बात नहीं, छोटे 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 हों तो ज्यादा नहीं चिल्लाओगे, वो बड़े बड़े हो जाएं, इतने इतने बड़े इधर उधर जाने लगे, तुम्हारे ऊपर आने लगे, तुमको काटने लगे, गड़बड़ हो जाएगी।
दुकानों में लिखते हैं लोग शुभ लाभ। शुभ लाभ लिखने से अगर लोगों का लाभ हो जाता तो फिर इंश्योरेंस की जरूरत क्या रहती। आशीर्वाद देने वाले आजकल बहुत है। मेरे सिर के ऊपर हाथ रख। तो जो वो दूसरे जब सिर के ऊपर हाथ रखने से तुम्हारे दुख दर्द खत्म हो जाएं, तो जब उनकी तबीयत खराब हो तो वो अपना अपने ही सिर पे अपना हाथ क्यों नहीं रखते हैं, डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं, अस्पताल क्यों जाते हैं, काहे के लिए। दुख आता है, मनुष्य अपना संतुलन खोता है, उसको डर लगता है, दुख से डर लगता है। सुख से किसी को डर नहीं लगता, दुख से डर लगता है, व्याकुल होता है मनुष्य। चाहत, मेरा ये भी हो, 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 फिर वो कोशिश करता है कि मेरे के ऊपर अगर जो संकट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। फिर कहीं जाता है और बताने वालों की तो कमी है नहीं, इसलिए कि तेरे ते ये कर्म किए थे पिछले जन्म में, पिछले जन्मों का फल तेरे को मिल रहा है। तुमको याद है क्या किया था? जब याद ही नहीं है, सभी भूल गए क्या किया था, तो फिर सजा का फायदा क्या हुआ? तुम्हारे अंदर जो चीज है उसको जानो, उसको पहचानो, उससे नाता बनाओ, और अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में असली सुख, असली सुख, असली सुख ये नहीं आया और गया। जिसके जीवन के अंदर सचमुच में असली सुख है उसको ये भय नहीं कहीं चला ना जाए, कहीं ये नहीं कि मैं अगर मैं कुछ कर दूं तो ये चला जाएगा ना। जब तक वो तार बना हुआ है अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद की बारिश होगी मेरे जीवन, किसी और के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए नहीं, पिछले जन्म के लिए नहीं। अब जो तुम जीवित हो, अगर तुम इस बात को अपने जीवन में इस समय नहीं समझ सके काम तो बंदर भी करता है, तो करना पड़ता है। काम तो हाथी भी करता है, करना पड़ता है। काम तो एक छोटी मधुमक्खी भी करती है, करना पड़ता है। परंतु इस बात को समझना, अब लोग कहते हैं कि जी हम दुनिया के लोग हैं, हमारे पास दुनिया की जिम्मेवारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारियां हैं, इन जिम्मेवारियों का इस चीज के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। चाहे तुम सारी जिम्मेवारी डिग्री भी कर दो या सारी जिम्मेवारियों को छोड़ करके संन्यास ले लो, इसका तो क्या हुआ? क्या तुम अपने जीवन में अपने लिए एक घंटा समय निकाल करके उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते? उस चीज को समझ नहीं सकते जो नाता होता है ना, असली नाता। असली नाता गुरु का और शिष्य का, मनुष्य का रूप शिष्य का, मनुष्य का रूप गुरु का।
ये नहीं एक भैंस और एक बिल्ली ना, नहीं बात समझ में आएगी कि कोई समझाए और कोई मनुष्यों की कमजोरी को समझे। कोई मनुष्य की कमजोरियों को समझे कि मनुष्य उस चीज को भूलता है जो सबसे जरूरी है, और उसी चीज को बार 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 याद दिलाए। इस रूप में नहीं कि तुमने पाप कर दिया, इस रूप में नहीं, धमकाने से नहीं, डराने से नहीं कि अब तुम जाओगे जहन्नम में जाओगे, अब स्वर्ग नहीं जा पाओगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब तुमको कीड़े पड़ेंगे। ना, उठो, अगर तुम सोए हुए हो तो उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो और देखो इस जीवन के अंदर यह है चमत्कार। यह जो तुम्हारा श्वास तुम्हारे अंदर आता है, यह है चमत्कार। इस चमत्कार को देखो, इस चमत्कार का अनुभव करो, इस चमत्कार को समझो। है घट घट में वास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, है सबके सिर हाथ उसी का, जीवन में है साथ उसी का, भूल के उसको भटक रहा क्यों, भूल के उसको भटक रहा क्यों, इधर उधर नादान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। जीते जागते मुक्त हो जाओ, मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। क्या होगा इस शरीर का, क्या होगा इस दिमाग का, क्या होगा इन आंखों का, क्या होगा इस श्वास का, क्या होगा इस समय का, क्या होगा। संत महात्मा ने कहा तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, बस यही होगा। क्या तुम इस बात को मानते हो? सुना है ना तुमने, सुना है ना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, सुना है, विश्वास करते हो इस पे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है विश्वास करने का। कैसे विश्वास कर ले? अरे अगर कोई इस बात पे विश्वास कर लेगा कि माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, तो आदमी एक सेकंड भी अपना जीता जागता बर्बाद नहीं करे। जीता जागता आदमी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करे, पर करता है, बर्बाद करता है। और क्यों करता है बर्बाद? क्योंकि ये बात उसको उसने सुनी जरूर है, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, पर समझता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा सुनना बहुत सुंदर है, उससे सुंदर क्या है उसको समझना। क्या तुम समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। मेरा काम है तुमको जगाना, माया का काम है तुमको सुलाना। माया तुमको देती है तसल्ली, मैं भी देता हूं तसल्ली, पर मेरी तसल्ली अलग है, दुनिया की तसल्ली अलग है। मैं कहता हूं कि इस ज्ञान का वृक्ष
अगर तुम इसको बोओगे, इसमें पानी डालोगे, इसमें फल लगेंगे, उन फल को खा करके तुम संतुष्टि का अनुभव करोगे जो तुम्हारे को भूख लगी है। जब तुम बच्चे हैं तब भी ये भूख लगी है, और जब तुम बड़े हुए तब भी ये भूख लगी हुई है, और अंत काल तक तुमको ये भूख लगी रहेगी। इस भूख को मिटा, ये भूख खत्म नहीं हो सकती, पर इसको संतुष्ट किया जा सकता है। और अगर तुम उसकी संतुष्टि चाहते हो तो इस बीज को बो, ज्ञान रूपी बीज को बो, इसमें पानी डालो, इसमें फल होंगे, उन फलों को खा करके तुम संतुष्ट हो सकते हो, और इसका अनुभव तत्काल है। पर जहां अंदर थोड़ी सी थकान होती है ना, अंदर आंख लगने में देर नहीं लगती, आदमी सो जाता, भ्रमित हो जाता। कहां उसका ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हट जाता। नर्तन भव वारिद कहूं पेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस भवसागर से पार होने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, इसलिए ये मनुष्य शरीर। ये वही राम कह रहे हैं, ये वही राम कह रहे हैं जो वनवास जिनको मिला था, ये वही राम कह रहे हैं जो सीता को बचाने के लिए लंका तक पहुंचे थे, ये वही राम कह रहे हैं जिन्होंने सीता के वियोग में आंसू भी बहाए, ये वही राम कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण को बाण लगा तब भी उन्होंने अपने आंखों से अश्रु बहाए, ये वही राम कह रहे हैं जो वापस अयोध्या आने के बाद जो धोबी ने थोड़ा सा कमेंट इधर उधर कर दिया तो सीता को छोड़ दिया, ये वही राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कि ये इस भवसागर से पार होने का साधन। इस भवसागर से पार होने का साधन कि इसमें इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और क्या है, किस चीज को तुम अपने जीवन के अंदर कृपा मानते हो भगवान की? किस चीज को? अपने बिजनेस को? अरे तुमको पैसे की इतनी कदर है पर कभी सोचा पैसा होता क्या है? आजकल एक जमाना था कि अशर्फी होती थी सोने की, पैसा सोने का हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना पैसा छापते थे, जितना नोट छपते थे, उतना ही सोना अलग रखा जाता था। हर एक जो रुपया या 10 रुपया या $100 या $5 जितना भी छपता था वो एक लीगल टेंडर था कि उसको तुम ट्रेड कर सकते थे, उसको दे सकते थे, उतना सोना तुम ले सकते थे। सोना बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद सिल्वर का स्टैंडर्ड बना दिया, और उसके बाद उसको भी ख़त्म कर दिया, और फिर अब जितना छापते हैं छापते हैं। पर तो है क्या, नोट नोट है क्या? कागज है ना, कागज, कोरा कागज, कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है नोट। 1,000 का नोट भी कोरे कागज के ऊपर छापा जाता है। छपने से पहले
उस कागज की कीमत क्या है? 1000 रुपए। चाहे उस पर एक छापो, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 का, 100 का, उसकी कीमत वही है जो कोरे कागज की कीमत है। पर जब उस पर छाप लग जाती तब उसकी कीमत कोरे कागज की तरह नहीं रहती। एक कागज के ऊपर एक शायर अपनी शायरी लिखता है, एक चित्रकार अपना चित्र बनाता है, उसकी कीमत कहां की कहां पहुंच सकती है। और एक है कि किसी ने लिखना शुरू किया और जो लिखा उसको पसंद नहीं आया तो उसको उठाया कड़कड़ कर करके कूड़ादान में डाल दिया। क्या कीमत है उस कागज की? कुछ नहीं। तुम भी कोरे कागज के समान हो। क्या लिखा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। क्या छपा है इस पे, इससे तुम्हारी कीमत पता लगेगी। हो सब के सब तुम कोरे कागज, और इसमें हाथ कुछ भी कर लो छाप जरूर लगेगी, क्योंकि ये संसार को तुम समझो ये प्रिंटिंग प्रेस है, छाप जरूर लगेगी। अब कोई कहता है कि ये क्या कोरे कागज पर निर्भर करता है कि कैसी छाप लगे, या प्रिंटर पर निर्भर करता है? पर एक समय मिला है इस कोरे कागज को, एक समय मिला है इस कोरे कागज को कि जैसी छाप लगवानी है वैसी लगवा दे। अगर ये कुछ कर ना पाए तो बात अलग है, पर ये कुछ कर सकता है, ये कोरा कागज कुछ कर सकता है और अपने ऊपर वो छाप लगवा सकता है कि फिर इसकी कीमत तोली नहीं जा सकती। जो इसके ऊपर अपने अंदर स्थित उस सुंदरता का छाप लगवा ले, फिर इसकी कीमत अनमोल है, अनमोल है। और असली गुरु की क्या पहचान है? जो ये प्रेरणा दे, उठ कागज छाप लगवा ले, उससे पहले कि दुनिया की छाप लग जाए, क्योंकि एक बार दुनिया की छाप लग गई उसके बाद अगर दूसरी छाप लगवाने की कोशिश करोगे तो बात बनेगी नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि नीचे 1 का नोट छप गया, उसके ऊपर फिर 1000 का नोट छप गया, उसको कहेंगे नकली है, नकली है, नकली है। ना वो 1 का रहेगा ना वो 1000 का रहेगा। जेतु अरे माया के बंदे डाल रहायम सिर पे फंदे, हरि चरणों में आजा बंदे, तज दे सारे झूठे धंधे, हो जाएगी हरि भजन से, हो जाएगी हरि भजन से सब मुश्किल आसान। अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में, देख तेरे ही
ध्यान मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान, अरे तू कर उसकी पहचान। और मनुष्य है, सभी मनुष्य है, कभी मन की बात सुनते हैं, जब मन की बात सुनते हैं मन की तरफ दौड़ते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, संसार से प्रीत करते हैं, फिर जब संसार चमाता मारता है तब रोना आता है, जब रोना आता है तब मनुष्य कहता है सत्य तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब संसार के पीछे भाग रहे थे क्या सत्य मार के नहीं भाग रहे थे संसार को ही? पर तमाचा किसको खाना है? क्या ये संसार तमाचा मारता है? बिल्कुल मारता है, और ऐसा मारता है, ऐसा मारता है कि जो हाथ का है वो तो थोड़ी देर में शांत भी हो जाएगा, पर जो संसार का तमाचा है जलता रहेगा, जलता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा, दर्द होता रहेगा। और इस संसार को मालूम है कि थोड़ा सा भी अगर काम हुआ तो फिर एक और की जरूरत है, एक और पड़ेगा। और कितनी बार कौन गिन रहा है, ये भी होता है, वो भी होता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, फिर यही याद रहता है मनुष्य को। और भगवान का नाम लेता है कब? कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, आ भगवान। पर कहा क्या है आगे, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। मतलब समझते हो, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा? ये नहीं कहा भगवान सुने फरियाद, कौन सुने फरियाद। जो कुछ कर रहा है संसार में करो, परंतु ध्यान कहां होना चाहिए, नाता किससे सबसे पहले बनना चाहिए? जो तुम्हारे अंदर स्थित है उससे नाता बनना चाहिए। उससे नाता जुड़ गया, उसके बाद नाते जोड़ते रहो, कोई परवाह नहीं, टूटे कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी था, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहो। कहा कि मेरे बाहरी जीवन के अंदर सब कुछ बदल गया। मैंने क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। और वो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, और पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से, पर निकला यही, और बड़ा भाग्यशाली आदमी है भाई, तो ऐसे लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिलता है। तो कुछ दिन के बाद फिर वही हुआ, तो उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। मैं हूँ बहुत खुश। मैंने कहा भाई जब तक तेरा नाता उससे जुड़ा हुआ है ना, वो जो तेरे अंदर स्थित है, ये और नाते टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, टूटते रहें, जुड़ते रहें, वो नाता जुड़ा हुआ, वो नाता
जुड़ा हुआ, वो जोड़ो, वो जोड़ो। और जितनी चीजें हैं संसार में, इनकी प्रकृति यही है। कोई स्थाई नहीं है। क्या स्थाई, क्या स्थाई? अरे ये पृथ्वी स्थाई नहीं है, एक तो घूम रही है और ऊपर से ऐसे ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी कर रही है। ना सूर्य स्थाई है, ना चंद्रमा स्थाई है, ना एक तारा जिसे तुम देखते हो स्थाई है। और कितने ही तारे हैं जिनको तुम देख रहे हो जो वहां है ही नहीं, इतनी दूर इतनी दूर इतनी दूर कि अभी लाइट आई रही है चल के, परंतु तारे खत्म हो गए। ना समुद्र स्थाई है, ना धूल स्थाई है, ना जल स्थाई है, ना हवा स्थाई है, ना ये तन स्थाई है। स्थाई तो कुछ है ही नहीं, सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, सब हिल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और अगर एक है कोई, वो तुम्हारे अंदर। उसको, उसका अनुभव करने की, उसको जानने की विधि देते, वो है असली ज्ञान। उसको पाकर के मनुष्य सचमुच में अज्ञानता से बच जाता है। अज्ञानता और है क्या? जो चीज स्थाई नहीं है उसको स्थाई बना करके अगर आदमी चलेगा, उससे ज्यादा, उससे बड़ा अज्ञानता क्या है? उससे बड़ी अज्ञानता क्या है? मूल में हम एक ही चीज देखना चाहते हैं कि तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे, इस ज्ञान को, ये जो बीज है इसको ठीक ढंग से बोओगे, इसमें पानी डालोगे और इसका फल खाओगे। अर्थात इसको तुम बेकार नहीं जाने दोगे। बस जो तुमसे बन पड़ेगा करो। ये बीज बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। ये ज्ञान बहुत ही सुंदर है और फल देने वाला है। और इसका फल क्या है? इसका फल है वो शांति जो हृदय के अंदर महसूस होती है, मन में नहीं, हृदय के अंदर महसूस होती है।